कोरोना का जो वैक्सीन बना है, कोवैक्सीन बना है, उसमें गाय के बछड़े का खून मिलाया है। कोविशील्ड जो है उसमें चिंपांजी का खून मिलाया हुआ है। वैक्सीनेशन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है करीबन 101,50,000 करोड़ रुपीस का घोटाला इस देश में हुआ है वैक्सीन के नाम पर, वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के नाम पर हुआ है। एक सत्याग्रह उस वक्त हुआ था जब गांधी जी थे और एक सत्याग्रह अभी हो रहा है। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बात करते हैं, जानते हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों किया गया, जबकि वैक्सीन से तो लोगों की जान बच रही है, कोरोना से बचाव हो रहा है, तो ये धरना प्रदर्शन वैक्सीन के विरोध में क्यों? आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मदन दुबे है और मैं स्वदेशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राजीव दीक्षित का फॉलोवर हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ और आज जो है यहाँ पर हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं। शहीद दिवस है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी का और हम लोग जो है लोगों को ये बताना चाहते हैं, ज्ञापन प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना का भ्रष्टाचार चल रहा है, RT-PCR का कम से कम 76,000 करोड़ रुपीज का घोटाला हुआ है। सब लोगों को RT-PCR टेस्ट करने लगाइए जबकि वो मैंडेटरी नहीं थी। जो 3,173 ऐसी RT-PCR करने वाली ICMR की गाइडलाइंस वाली और उनके गाइडलाइंस में बनने वाली जो लेबोरेटरीज है उसी के माध्यम से ये RT-PCR टेस्ट होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने फ्रेंचाइजीज दे देकर जो है छोटे छोटे पांचवी पास छठवी पास लोगों से वो करवाई है और इसमें घोटाला हुआ है। वैक्सीनेशन कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए जो है करीबन 101,50,000 करोड़ रुपीस का घोटाला इस देश में हुआ है वैक्सीन के नाम पर, वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के नाम पर हुआ है। आधार पूनावाला अब इस देश में छठे नंबर का, मतलब एशिया में छठे नंबर का बड़ा करोड़पति बन गया है, उसने वो 2 साल में किया है। तो वैक्सीन कंपनियां और जो एलोपैथी की कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकना हम चाहते हैं। जो भी वैक्सीनेशंस है वो सारे मांसाहारी है, मगर सरकार ये छुपा रही है। मांसाहार में अब आप देखेंगे कि मेरे पास में ये एक 8वें नंबर का अगर ये पॉइंट देखेंगे आप, इसमें दिखाया गया है कि हाँ, ये आप देखेंगे कि ये हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का RTI है, इसमें लिखा हुआ 8वें नंबर पर हमने पूछा था पीले कलर में हमने जो लिखा है कि भैया आपका जो ये कोवैक्सीन दे रहे हैं आप भारत बायोटेक का, हमारे देश का स्वदेशी है वो वैक्सीन, उसमें कोई FBS मिलाया जाता है क्या, फेटल बोमिन सीरम मिलाया जाता है क्या, गाय के बछड़े का खून मिलाया जाता है क्या, तो 8वें नंबर पर हमने पूछा, मगर 8वें नंबर पर उन्होंने देखिए आंसर दिया है नीचे और कि इसमें आज से नहीं तो करीबन 3 दशकों से, मतलब 30 साल से हम लोग जो वैक्सीनेशन में ये मिलाते हैं, कोरोना का जो वैक्सीन बना है, कोवैक्सीन बना है, उसमें गाय के बछड़े का खून मिलाया है। कोविशील्ड जो है उसमें चिंपांजी का खून मिलाया हुआ है। उसी तरह से जो और भी वैक्सीनेशन है उसमें एबॉर्टेड चाइल्ड जो है उसका सेल्स मिलाए हुए, उसका खून मिलाया गया है। जो मास्क है ये फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का RTI है, इसमें हमने कुछ प्रश्न पूछे थे कि मास्क पहनना सबके लिए कंपलसरी है क्या, तो उन्होंने कहा कि मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मास्क उसी ने पहनना चाहिए जिसको सर्दी खांसी बुखार जैसे कोई सिम्टम्स हो, कोई अगर दवाखाने में अगर एडमिट हो उसको देखने के लिए आप जा रहे हो, क्रिटिकल हो, तो उसके मिलने के जाते वक्त आपने ये करना चाहिए। तीसरा हमने पूछा था कि मास्क लगाने से कोरोना रुकता है, ऐसी कोई स्टडी आपके पास में है क्या, कोई ऐसा एविडेंस है क्या कि मास्क पहनने से कोरोना का प्रसार नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई स्टडी हमारे पास में नहीं है। 2005 का पेंडेमिक एक्ट लगाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया, 1897 का पेंडेमिक एक्ट देश में लगाया गया, मगर उस दोनों एक्ट में मास्क नहीं पहनने पर किसी पर भी फाइन लगाओ ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अगर आप फाइन लेते हैं तो आप इस संविधान का अपमान कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, हम सरकार को बताना चाहते हैं। हमने उनको पूछा इसी RTI में कि ये जो छेद है, जो मास्क के छेद है उसकी साइज कितनी है, तो उन्होंने कहा कि ये माइक्रोमीटर में 70 से 80 माइक्रोमीटर, और जो वायरस है उसकी साइज कितनी है, तो उन्होंने कहा कि ये तो नैनोमीटर में, नैनोमीटर जो है वो छोटा होता है, माइक्रोमीटर बड़ा होता है, इस छेद में से सैकड़ों वायरस जा सकते हैं, मगर फिर भी मास्क लगाने के नाम पर और कोरोना के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जो है महानगर पालिकाओं ने लूट लिए लोगों से, वो सब वापस करना चाहिए, ये हम उसे
मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग ये है कि जिन जिन लोगों को एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हुआ है, मतलब कि वैक्सीन लगाने के बाद में तकलीफ हुई है, उनको दूसरे यूरोप में सिंगापुर में करोड़ों रुपए हर्जाना दिया जाता है, मगर भारत में सिर्फ कोरोना से अगर कोई मरता है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं, जो मेरे 5 दांतों की रूट केनाल की ट्रीटमेंट है। मगर हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन से अगर किसी को तकलीफ होती है तो उसको आपने कम से कम 2 करोड़ रुपए कम से कम देने चाहिए उस परिवार को। और ऐसी एडवर्स इवेंट फॉलो AEFI की रिपोर्ट है कि 28,000 से ज़्यादा लोग जो है इम्यूनाइजेशन से तकलीफ उनको हुई है, करीबन 6,000 लोग मर गए हैं, कोई पैरालिसिस हो गया, किसी को रूट ये हो गया क्या बोलते हैं उसको गिलियन बैरे सिंड्रोम हो गया, ऐसे सर से लेकर पाँव तक के अलग अलग सिंड्रोम की लिस्ट जो है WHO ने दी है। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो भी बच्चों को आप वैक्सीन लगा रहे हैं 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के, उनके पेरेंट्स का जो कंसेंट लेटर आप लेते हैं, उस कंसेंट लेटर में आपने कंटिन्यू ये लिखना चाहिए कि इसके इफेक्ट्स क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। साइड इफेक्ट्स लिखने के बाद में अगर पेरेंट्स ये करते हैं कि वो बच्चों को वैक्सीन लेने के लिए मंजूरी देते हैं, तभी आपने वैक्सीन के लिए बच्चों को देनी चाहिए। और जगह जगह पे AEFI की जो प्रोसेस है कि किसी को अगर तकलीफ हो जाती है तो वो AEFI का आपने उसकी पूरी प्रोसेस लगानी चाहिए सब तरफ। बड़े बड़े आप जो है अपने जन्मदिन के बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, मगर आप किसी को अगर तकलीफ हो जाती है किससे संपर्क करें ये नहीं पता। हम कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट के पूरे बड़े बड़े बोर्ड्स लगाओ, अपने जन्मदिन के मत लगाओ। ये जो है इतनी सब मांगे लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरा, 2005 का धारा 12 और पेंडेमिक एक्ट की 1897 की धारा 2, 3 और 4 ये कहती है कि किसी को अगर आर्थिक नुकसान अगर हो गया है तो आर्थिक नुकसान की भरपाई डबल देनी चाहिए और 18% प्लस करके देनी चाहिए। तो जितने लोगों को ये नुकसान हुआ है, 2 वर्ष तक आपने बंद रखा है, उन सबको हर्जाना दिया जाए, उसका हमने फॉर्म बनाया है। हमारी स्वदेशी सेना के पास में अब ये पूरे फॉर्म्स है, हम उसकी PDF लोगों को दे रहे हैं। जिनको ये PDF चाहिए, RTI की पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी PDF भी हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। मेरा नाम मदन दुबे है, स्वदेशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9769328407, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। कुछ ग्रामीण लोग भी NCR समाचार के साथ जुड़ चुके हैं अपनी बात रखने के लिए, कोरोना को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के। जो फ्रॉड हो रहा है, इनका मानना है कि फ्रॉड हो रहा है, तो उस चीज को लेकर के अपने मुद्दे यहाँ पर रखना चाहते हैं, NCR समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सभी को राम राम जी। मेरा नाम सुभाष संधू, गांव डाटा, जिला हिसार है जी। ये जो कोरोना चला ना जी, हम सबसे पहले इसके बीमारी के ऊपर बात करते हैं। हमारे 12.5 लाख किसान दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, हमारे बच्चे विदेश भी पढ़ते हैं, वो भी हमारे संपर्क में आए, हम भी गांव में गए। हमारे को बीमारियां भी हैं, हार्ट अटैक की, सांस की, सभी प्रकार की। तो हमारे किसी को भी, एक व्यक्ति को भी कोरोना नहीं हुआ, और ना ही 750 व्यक्तियों में 750 व्यक्ति की मौत हुई, उसमें एक व्यक्ति को भी कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई। तो फिर ये चलते चलते हमने इस चीज़ को समझ लिया था, तो हमने डाटा गांव में 217 गांव की पंचायत करी, जिसमें पूरा हिसार जिला और 2 पंचायतें, बड़ी बड़ी पंचायतें, लगभग 60-70 गांव की जज्जर की थी, तो उनको मिला के 217 गांव की पंचायत हुई। हमने वहाँ पर कुछ अहम फैसले लिए कि भाई कोरोना एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के तहत देश को मारा जा रहा, बर्बाद करा जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? संजय कौशिक, ने भारतीय गौरक्षा दल डाटा गांव से भाई के साथ में जी। ये गाँव जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे भाई बंधु जितने भी अपने यहाँ पर हैं, ये बिल्कुल एक ये रियलिटी है। आज के जो लोगों को और आज के जो युवाओं को पता नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए कि ये भगत सिंह के जन्मदिन पर आज के दिन यहाँ पर हम सब इकट्ठा हो रखे हैं। तो ये जितना भी कोरोना के विरोधी है, अपना खिलाफ हो रहा है, ये जितना भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब खड़े हैं एक साथ, एक आवाज़ के साथ। आप भी कुछ कहना चाहते थे, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर के, कोरोना वैक्सीन को लेकर के? नमस्कार जी, मैं मनीष जांगड़ा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। मेरे पास ये जानकारी है कि इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2 साल से 2.5 साल से ये बीमारी का मामला चल रहा है और उसके नाम पे पूरे देश को, पूरी दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है।
ये बीमारी 2019-2020 के दरमियान आई है, सभी को पता है इस बारे में। और इसको पकड़ने के लिए, इस बीमारी को पता करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किट 2017-18 में हमारे इंडिया के अंदर आ चुकी है, और उस पर बाकायदा लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक की साइट पे कि कोविड 19। तो ये तो समझने वाली बात है कि बीमारी बाद में आई है और उसकी टेस्ट किट पहले आई है, नहीं तो सीधा सा हिसाब है कि बीमारी होगी, महामारी होगी, तब उस पर शोध होगा, रिसर्च होगी, तब उसकी टेस्ट किट बनेगी। और फिर ये जो 2020 में क्वारंटाइन के किया गया, पॉजिटिव बताया गया आरटीपीसीआर टेस्ट के बेस पे, तो उस समय जो पद्धति दी गई मेडिकल लाइन की तरफ से, उसको बाद में बैन कर दिया गया। सेकंड लहर में जब जो बोलते हैं कि लोगों की डेथ हुई, मरे, तो क्या जो साइड इफेक्ट आए, जो क्वारंटाइन के जो उपचार बता दी गई थी, तो उससे साइड इफेक्ट नहीं हुए क्या? तो कहते हैं ना सेकंड लहर में लोग मरे। और फिर जो वैक्सीनें दी जा रही है, इतने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय बोलता है, और अपना वैक्सीन सीरम वाले भी, उनकी भी साइट पे लिखा हुआ है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम महिलाओं का भी विचार जानते हैं कि उनका क्या कहना है, बताइए। बिल्कुल, हम इस षड्यंत्र के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्योंकि ये जो गुलामी की जिंदगी जो दी है ना सरकार ने लोगों को, के मास्क मैंडेटरी कर दिया है, मास्क लगाना ही पड़ेगा, आप मेट्रो में सफर नहीं कर सकते, आप घर से नहीं निकल सकते बिना मास्क के, आप स्कूलों में बच्चों के लिए वही कर दिया गया, क्लास में जब आप कदम रखेंगे, जब आप वैक्सीनेशन करा लेंगे, तो ये जो मैंडेटरी जो है ना जबरदस्ती जो थोपा जा रहा है, और ये जो षड्यंत्र रचा गया है ना मानवता के खिलाफ, हम उसके अगेंस्ट आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम अपनी आजादी की जिंदगी चाहते हैं, क्योंकि हमें आजादी से जीना, ये हमारा स्वैच्छिक अधिकार है, हम मास्क लगाएं ना लगाएं, हम वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, ये सरकार हम पर थोप नहीं सकती। सरकार को इस तरह से हम मूर्ख नहीं बनाने देंगे पब्लिक को, ना इस षड्यंत्र में फंसने देंगे। हम घर घर जाएंगे, गाँव गाँव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, और लोगों को जागरूक करेंगे, और उन्हें बताएंगे मास्क के कितने नुकसान है और वैक्सीनेशन कितनी घातक है, और हमारे बच्चों के लिए जो इन्होंने एक वो किया है ना कि आने वाली जनरेशन को इस तरह से ये खत्म करेंगे या इस तरह से लोगों को मारेंगे जहरीली वैक्सीन लगा लगा के, और इतने लोग मर भी रहे हैं, और मास्क से जो बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चों को जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है ना मारने का और उनकी लाइफ खराब करने का, वो हम होने नहीं देंगे, हम सरकार को इस उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। जनता का कहना है कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन एक साजिश है सरकार की आने वाली जो जनरेशन है उनको मारने की, तो क्योंकि जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इन्होंने एक ये तरीका निकाला है लोगों को ख़त्म करने का। सरकार को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कि ये जो कोरोना के नाम पर इतना सारा जो डोनेशन लिया गया, उस डोनेशन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया, वैक्सीन लगाने से कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये सरकार की तरफ से किसी को नहीं बताया गया, जो कि बहुत गलत है। और साथ ही साथ कोरोना में जो लोग मरे हैं उनके परिवार को 50,000 रुपए, ऐसा कहना है कि 50,000 रुपए दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्यों? और साथ ही साथ आरटीआई के बाद इनको ये बात पता चली कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है, मास्क लगाने पर भी कोरोना हो सकता है, लेकिन फिर भी मास्क लगवाना कंपलसरी कर दिया गया है, लगवाने के लिए फोर्स किया था, जो कि गलत है। इसीलिए सभी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, साथ ही साथ उनको ये बताना चाहते हैं कि जो सारी चीजें हो रही है, जो ये सारी घटनाएं हो रही है, इन सबको बंद कर दिया जाए, और जो ये ढकोसले हो रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।